ये देखिए भाई, चमत्कार इसे कहते हैं। जब डॉक्टरों ने कह दिया कि मर चुका है, ले जाओ इसको, और इसके हाथ पैरों का जी निकल चुका है, ये बहन जी की आंखों का पानी बता रहा है सच्चाई क्या थी। और वही बहन समझ सकती है जिसके पति उनकी आंखों के सामने दम तोड़ रहे हों, और जब यहाँ लेके आए बाप वगैरह, चमत्कार हुआ, आज ये जीवित और स्वस्थ है। कुछ पैरों का जी निकल रहा था। और एडवंटाला ने तो ये कह दी थी 1% चांस है मैडम आप घर ले जाओ, घर पकड़ भी सकता और नहीं भी पकड़े। और सर चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लामा की राम राम, नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल खड़े हम भोले बाबा के बड़ौता धाम में, बड़ौता घोड़ा के पास, और आज शनिवार है, आज झाड़े का दिन है भाई। हर प्रकार की बीमारियों का झाड़ा लगाया जाता है, हर शनिवार को लगाया जाता है, और संडे को यानी रविवार को ओ प्रीप्राय भूत प्रेत की बात आए, ऐसा कोई संकट घरेलू होता है उसके लिए दिन निश्चित है। और सोमवार को जिन माताओं बहनों को निसंतान है, निसंतान दंपति के लिए जिनको बच्चा नहीं होता किसी भी कारण से, तो बाबा भोले यहाँ पर उस दिन सोमवार को आशीर्वाद देते हैं उनको। तो आज शनिवार है, शनिवार को झाड़ा लगाया जाता है हर बीमारी का। तो ये झाड़ा लगा रहे हैं बाबा भोलेनाथ, बैठे हैं, और भाई लोग भी लोग आने लग रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है अभी। और ये देखिए, दिखाइए एक बार इधर, और हम चलते हैं, लोगों से पूछेंगे सभी से जो दूसरी तीसरी बार जो आए हैं। लोग बाग बैठे हैं, और यहाँ कौन पहले आया है, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार आया, हम जनता के बीच से पूछते हैं। कोई किसी को भाई छाँट की नहीं पूछा, अगर हम हमारा मकसद है कि जनता तक सच्चाई पहुँचाना, हम किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं, हम नहीं कहते कि यह चीज़ यहाँ पर होती है। लोग कहते हैं, नहीं बाबा कहता है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर ठीक हो रहे हैं, तो ही हम वीडियो बनाते हैं, हम किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं करते। जो सच्चाई है, जो जनता की सच्चाई, जनता तक पहुँचाते हैं हम। और ये सच्चाई इसलिए पहुँचाते हैं कि कुछ सच्चे धाम होते हैं, और सनातन धर्म में हर चीज़ संभव है। वेदों में ऐसे ऐसे मंत्र हैं, हर मंत्र की अपनी अपनी एक वैल्यू है, इज्जत है, और वो काम करते हैं, ऐसा इसरो तक ने भी माना है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, कौन ठीक हो रहा है, कि क्या बीमारी ठीक हो रही है, ये सभी बातें पूछेंगे। तो भाई पूरे कोई दूसरी तीसरी बार आए, एक बार आठ आइयो भाई। हाँ नमस्कार जी। नमस्ते जी। कहाँ से? झज्जर से। झज्जर से। नाम क्या है? मीना। मीना, क्या समस्या है जी? मेरे घर वाले का दिक्कत थी, दिल भी 30% रह गया था। अच्छा। हाँ, और वाल भी बंद हो गई थी बिल्कुल, यहाँ पर कति मरे हुए ने उठा के लाए थे, हाथ पैर का तो जी निकल रहा था। अब पांचवी बार आए हम, ठीक है बिल्कुल। कहाँ हैं? ठीक है बिल्कुल। कहाँ हैं? ये बैठे हैं। यानी कि वॉल भी खत्म हो रहा था, बंद हो रहा था, मरोड़न ठा के लाए थे। मरोड़न ठा के लाए थे जी, कति इतना हाथ पैर का जी निकल, हाथ पैर का जी निकल रहा था। और एडवंटाला ने तो ये कह दी थी 1% चांस है मैडम आप घर ले जाओ, घर पकड़ भी सकता और नहीं भी पकड़े। अच्छा। हाँ, तो देखिए बहन जी की आंखों में पानी आ रहा है कि डेड बॉडी उठा के लाए थे इनकी, मरे हुआ 1%, डॉक्टर कहते 1% चांस है, ले जाओ घर पे। और यहाँ बाबा का लेके आए, भाई साहब इधर आएगी, थोड़ा आंटी थोड़ी पीछे हो आप, आ जाओ इधर आओ, थोड़ी सी इधर आइए, ये देख लो भाई आपके सामने अष्टपुष्ट है, दोनों हाथ उठाओ ऊपर, बोल दे भोले बाबा की, भोले बाबा की जय। कितनी सच्चाई है, कितना सच्चा धाम है भाई, हम कहा कुछ नहीं कहते। आप इधर से बनाई थोड़ा सा, हाँ वाइट तो नहीं आ रही, रगेश तो नहीं आ रही। नाम क्या आपका? कुलदीप। कुलदीप, तो आप बताएं अपनी क्या क्या ये पूरी स्टोरी बताएं मुझे। मेरे को एकदम वॉल ब्लॉक हो गए थे मेरे। अच्छा। मैं 5-4 मेडिकला में गया। हाँ। उन्होंने सब ने जवाब दे दिया। अच्छा। खत्म है, ले जाओ। अच्छा जी। फिर हम यहाँ पे आए। अच्छा। यहाँ पे आते ही बाबा ने झाड़ा ला, प्रसाद दिया, एकदम तुरंत आराम हो गया मेरा। अच्छा। हाँ, ये देखिए भाई, चमत्कार इसे कहते हैं। जब डॉक्टरों ने कह दिया कि मर चुका है, ले जाओ इसको, और इसके हाथ पैरों का जी निकल चुका है, ये बहन जी की आंखों का पानी बता रहा है सच्चाई क्या थी। और वही बहन समझ सकती है जिसके पति उनकी आंखों के सामने दम तोड़ रहे हों, और जब यहाँ लेके आए बाप वगैरह, चमत्कार हुआ, आज ये जीवित और स्वस्थ हैं। कोई हाँ। समस्या नहीं? नहीं है? नहीं। तो आप ये मानते हैं कि बाबा जी के चमत्कार से हुए? हाँ। पक्का? पक्का। अच्छा। हाँ। भाई बाबा ने मेरा पीरा पी देगी तो नहीं बेटा? ना, कुछ नहीं है? कुछ नहीं लिया कुछ भी। अच्छा। झाड़ा लगा, प्रसाद दिया, और स्वस्थ हो गया था मैं यहीं पर। भाई मरे आदमी जीवा दिया तो कि मैं 1-2 लाख मांग सके? बाबा नहीं नहीं नहीं, कोई एक पैसा नहीं मांगा। अच्छा। हाँ। क्या बात। गांव कौन सा आपका? गांव तो एक कबलाना रहते हैं, झज्जर में। झज्जर में रहते हो?
तो देखिए ये आप क्या कहना चाहेंगे बाबा भोले बारे, भोलेनाथ के बारे में, ये शब्द कहें? ये सच्चा धाम है, सच्चा वो है, आओ अपना इलाज कराओ, सब हर बीमारी का इलाज कटता है यहाँ पे। अच्छा हाँ। क्या मानते हैं जी? बहुत अच्छी बात। एक बात और है, मेरे को बच्चे नहीं हुए थे, लड़की थी 4-5 साल की, और रोहतक पीजीआई वाले ने सब ने मना कर दिया, दूसरा बच्चा नहीं होगा। यहाँ मैं 2008 में 9 आए थे, तो ये मेरा 12 साल का लड़का हो रहा है, यहीं बाबा के यहाँ से आने से लेके गए हैं। अच्छा, फिर आपका तो पूरे ठाट कर रखे बाबा ने, पूरे ठाट कर रखे जी। पहले यानी कि लड़की थी, 12 साल बाद में लड़का हुआ है। लड़का हुआ है 12 साल बाद में, ना बच्चे कह दी डॉक्टर बच्चे हुए को नहीं, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, मना कर दी बिल्कुल। यहाँ पर आने से लड़का हुआ जी, 12 साल, 12 साल का हो गया। तो ये देखिए भाई चमत्कार, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ट्यूब बंद है और नहीं होंगे बच्चे, और यहाँ आने से हो गया। अरे जी मेरा थायराइड थी वो भी ठीक होगी, बच्चे दाने में गांठ बता रखी थी वो भी नॉर्मल रिपोर्ट आ रही है, बिल्कुल सही है। कमाल है भाई, बच्चा दाने की गांठ भी खत्म होगी इनकी हाँ। और उसी कारण बच्चे नहीं हो रहे थे हाँ। और थायराइड भी खत्म होगी जी, खत्म होगी हाँ। तेरी भी थायराइड खत्म होगी ना, मतलब छोरा ले कर रही थी इनकी गेला की, उसके भी जख्म हो रहे थे। अच्छा, डॉक्टर ने ये कह रखी देख जी कति खत्म है, लड़का ठीक नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, यहाँ आने से दाई रोटी खाओ बिल्कुल ठीक है, वो अब के हमारे साथ आ नहीं पाया, थोड़ी मजबूरी थी, अगली बार वो भी आएगा। क्या बात है। तो देखिए भाई मरे बराबर हो जाता है, और ये तो बिल्कुल डेड घोषित कर चुके थे डॉक्टर, तो ये चमत्कार है भाई। हम कुछ नहीं कहते, ये जनता देखिए आपके सामने, हम सच्चाई दिखाते जनता के पब्लिक के बीच से, और ये इनकी इस बहन जी की जो सच्चाई है, इनकी तो सब कुछ ठीक हो गया, यहाँ से पति मिल गया, बेटा मिल गया, थायराइड ठीक हो गई, बच्चादानी की गांठ खत्म हो गई, जब डॉक्टरों ने ये डेड घोषित कर दिए थे और डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आपको कभी बच्चा नहीं होगा, तो यहाँ सब कुछ मिला बाबा भोले के दरबार में जी। मिला जी। सच्चा दाम है बिल्कुल जी जी, धन्यवाद। चलो आइए और बात कराऊँ।